तो दोस्तों आपको मैं बताया बीम मारने की टैक्टिक्स, अब आपको बताऊंगा कि बीम जब मारते हो उस समय बीम आपको कैसे मारनी है ताकि आपके हाथों में जान बनी रहे और ज़्यादा से ज़्यादा आप बीम मार पाओ। ठीक है, तो महेंद्र भाई एक बार आपको बीम मार के दिखाएगा। सबसे पहले पकड़ने का तरीका आपके इसी प्रकार का, आर्मी का आप जब फिजिकल देने जाते हो रनिंग के बाद में आपने देखा होगा बिल्कुल इसी प्रकार का होता है। ठीक है, तो पहले देखो कौन से गलत तरीके हैं जिसकी वजह से आप फंस जाते हो वहाँ जाके, आप बीम नहीं मार पाते हो। एक बार पकड़ो तो ये देखो भाई के जो शोल्डर है वो केवल यहीं तक है और हाथ देखो ऊपर ऐसे पकड़ रखा है। ये होता है जिम के लिए, ये मसल नहीं बनाने, नीचे आओ एक बार, तो ये मसल नहीं बनाने आपको, क्योंकि अगर ऐसे कर लोगे तो आपकी पूरी जो स्ट्रेंथ है वो इधर ही ख़त्म हो जाएगी दोस्तों और बहुत जल्दी हाथ भर जाएंगे, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। सही तरीका कौन सा बीम मारने का, एक बार आपको भाई मार के दिखाएगा। जब शुरुआत में आप मारते हो तो कैसे मारना है, पहले दिन दूसरे दिन जब आप ट्राई करते हो बीम मारने की या आपसे कम मारे जाते हैं तो कैसे मारना है। हाँ, जब देखो अंडर ग्रिप मारना, आप वहाँ अंडर ग्रिप मार सकते हो, आपको कोई मना करने वाला नहीं और शोल्डर के बराबर ही पकड़ रखे है भाई ने, तो इसी प्रकार आपको पकड़ना है। और पहले पहले मारो एक बार, देखो बिल्कुल स्लोली स्लोली मारना है, लेकिन वहाँ पर आपको ऐसे नहीं मारना है और चिन देखो पूरी अप होनी चाहिए उसके, जब आप घर पर ट्राई करते हो डाउन अप। ये स्लोली स्लोली किस लिए मारते हैं, एक बार नीचे आओ आपको बताऊँ स्लोली स्लोली किस लिए मारते हैं। इधर देखो भाई का, देखो ट्राइसेप्स ये अपने आप टाइट हो जाएगा पूरा, और इसका कारण क्या है, क्योंकि जब स्लोली स्लोली मारेंगे तो नसों पे जोर ज़्यादा पड़ेगा, इसकी वजह से ये बहुत टाइट हो जाएगा। अब आपको वहाँ पर कैसे मारनी है एग्जाम टाइम में, तो वो भाई बताएंगे आपको कि कैसे मारनी है। देखते हो वहाँ पर मारते समय आपको बिल्कुल देखो बिल्कुल सटासट जल्दी जल्दी से ऐसे मारनी है, पैरों को देख लो, पैरों की पोजीशन ऐसी रहेगी तो आप बिल्कुल आसानी से मार पाओगे दोस्तों। बिल्कुल देख रहे हो आप, ओके डाउन, तो ऐसे ही मारनी है। अब अगर कोई मेरे जैसा शरीर का है, भाई की बॉडी अच्छी है, आप सोच रहे हो कि मतलब भाई मार पाएगा, अगर मेरे जैसा शरीर का, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे मारनी है, अगर आपको वहाँ पर एग्ज़ाम में नंबर से मतलब है, आप कितनी स्पीड से मारते हो उससे कोई मतलब, आपको काउंटिंग मिलेगी। ओके देखो ये देखो ऐसे मारनी है, ऐसे आप बीम मार सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। तो जो मैंने उपाय बताया आपको बीम मारने के लिए कि रस्से पे कैसे लटकना है, आपने देखा शुरुआत में उसी प्रकार पे आपको रस्से पे लटकना है और आपके अपने आप स्टेमिना बनता जाएगा। तो ये दोस्तों बीम के लिए आपके लिए, और आप किस फिजिकल एक्सरसाइज पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना दोस्तों। जय हिंद।